दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। मैं बिहार पर चर्चा करने के लिए और भारत पर चर्चा करने के लिए मैं इस गांव में आया हुआ हूं और यहां के नौजवान हो बूढ़े हो उनसे यही जानना चाहेंगे कि बिहार का बेटा भी प्रधानमंत्री बने, ये खुशी आपको होनी चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वही सवाल हम करेंगे और ये लोग अपने अपने मन की बात कहेंगे, अपना इनके जो दिल में है वो बात कहेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री जो है या प्रधानमंत्री है तो सबको तो ये मन रहता है कि हम भी प्रधानमंत्री बनते, लेकिन जनता यहाँ की क्या चाह रही है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए यहाँ के लोगों को? बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? सुखी संपन्न पहले का राज्य था बिहार, नाम का है पड़ा सुखी संपन्न के चलते नाम पड़ा इसका, लेकिन आज सब राज्यों से कमजोर हो गया है। तो इस तरह के अगर प्रधानमंत्री यहाँ से बन कर जाएंगे तो यहाँ के विकास के बारे में तो सोचेंगे। हाँ, इसलिए कि बिहार राज्य जो है बहुत अच्छा राज्य था लेकिन पिछड़ापन का शिकार हो गया क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं हुए। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री होने चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि बिहार का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिहार का भी बेटा प्रधानमंत्री बने, इनकी यही मंशा है। आप भी बताइए। बिल्कुल बनना चाहिए, हमारे बिहार का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि इनको तो एकदम अवश्य बनना चाहिए। इनकी प्रशासनिक जो सेवा है, जो आज तक जो ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हैं, हमको लगता है कि करीब 20 साल से संभाल रहे हैं, 17-18 सालों से, तो इतने दिनों में इनका जो प्रशासनिक रहा, जो हमारे विकास को बिहार को बढ़ाने का काम किए हैं, बिहार को विकास के रास्ते पे जो लाने का काम किए हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि सभी विपक्ष को मिला करके एकजुट हो करके और सोचते हैं कि वैसे प्रधानमंत्री से अपने देश को बचाएं जो बेचने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो अभी प्रधानमंत्री है वह देश को बेचने का प्रयास कर रहा है, उससे हमारे बिहार को बचाने की आवश्यकता है। और इससे मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं बहुत अच्छा चेहरा हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, हमारे बिहार के शिक्षक हमारे मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं करते क्योंकि हमेशा शिक्षकों के खिलाफ फैसला लिया है, लेकिन मैं शिक्षक हो करके ये कहता हूँ कि उनकी प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छी है, इस वजह से वो प्रधानमंत्री बने और हमारे बिहार को और आगे बढ़ाएं, और जितना हम पीछे हैं हमको कम से कम उस रास्ते पे ला दें जितना हमारा हक बनता है। हम बिहारी हैं और बिहार से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे बिहार का बेटा, हमारे बिहार के आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, इससे हम गौरवान्वित होंगे, हमारा पूरा बिहार गौरवान्वित होगा और हमको लगता है कि देश गौरवान्वित होगा क्योंकि ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हमारा देश बच जाएगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि हम एक शिक्षक हैं लेकिन शिक्षक रहते हुए जो उनका जो निर्णय था वो हम लोग के खिलाफ है, फिर भी हम चाह रहे हैं कि मेरा जो बिहार का बेटा है वो प्रधानमंत्री बने, उनके पक्ष में ये है। सबसे पहले बाबा दर्शन मीडिया वाले को मेरे तरफ से, ग्रामीण जनता की तरफ से बधाई, और आज पहली बार हमारे गांव में मीडिया वाले आए हैं और हम लोगों के बीच हम लोग गौरवान्वित हैं कि मीडिया वाले आए हम लोग के विचारों के लिए। आज बिहार जो है बिहार आंदोलन की भूमि रही है, यह महात्मा बुद्ध की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, हमेशा से यहीं से शुरुआत होती है। गांधी जी चंपारण यात्रा किए थे यहीं से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहे जाते हैं। मैं नीतीश कुमार, तेजस्वी और अन्य पार्टी जो महागठबंधन है सभी नेताओं को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, इस मौके पर आपस में सहयोग करके देश के विकास हेतु आगे बढ़े हैं। माननीय नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करने योग्य हैं, अच्छे जगह पर
केंद्र में भी रेलवे मंत्रालय संभाले हैं, बहुत सारे विभाग संभाले हुए हैं और हमारे देश में इस तरह से उन्माद फैला हुआ है, धार्मिक उन्माद, कि आज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आने वाले हैं। धार्मिक उन्माद, हम जानते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आज़ादी कराए हैं, सभी की भागीदारी होनी चाहिए और सब मिलजुल कर देश चलाना चाहिए। आज देख रहे हैं आतंकियों का बोलबाला है, देश बिकने कगार पर है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौजवान पीढ़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई नौकरी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आज 24 के जो चुनाव है उसमें मैं चाहूँगा कि सभी नौजवान बंधुओं से, बूढ़ बुजुर्गों से, कि आप खुल करके आए और एक ऐसे नेता को चुनो जो आज तक बिहार देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र के बाबू के बाद जो राष्ट्रपति बने थे आज तक नहीं कर पाए हैं। मैं चाहूँगा कि भारत बिहार के माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि देश और बिहार का विकास हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त। बहुत अच्छी बात कहें, बहुत बढ़िया बात बोले उन्होंने। इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस योग्य है और भारत का भी नेतृत्व करने के लिए बिहार के अंदर क्षमता है। बिहार के बिहारियों के मान सम्मान के लिए एक बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। इनकी मानसिकता साफ साफ है कि बिहार का बेटा भी प्रधानमंत्री बने। अभी हमारे माननीय शिक्षक छोटू बाबू जो बिहार के प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं और इन्होंने यह संकल्प लिया कि हमारे बिहार के ही प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी इनके बातों से सहमत हूं। साथ ही हमारे बुजुर्ग माननीय शिव शंकर जी ने भी इस बात को दोहराया कि नहीं, बिहार के कहीं कोई ऐसा माननीय व्यक्ति हो, जैसा कि नाम नीतीश कुमार जी का आ रहा है, ले रहे हैं, तो मैं भी इनके पक्ष में हूँ कि ये भारत के प्रधानमंत्री बन करके भारत के प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दें, ताकि बिहार का भी नाम जो है रोशन हो सके। जो बिहार में अभी भी पिछड़ापन व्याप्त है, जो हमारा राज्य जो है सुखी संपन्न होते हुए भी आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसको आगे की ओर बढ़ाने का काम करेंगे और सभी को साथ साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, वे एक तरह से सूट बूट और झूठ का पुलिंदा हैं, वे ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ भी वादा उन्होंने किया था उस वादों को उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, जिसमें जो है वो जो बाहर चले माल्या वैसे वैसे बहुत सारे हैं, तेरा विजय माल्या के समान और बहुत सारे लोग हैं जिनका बाहर जो है अपना पूरा व्यापार चलता है और घोटाला करके यहाँ से लेकर के लोग भागे हुए हैं, वैसे व्यक्ति नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, वैसे व्यक्ति का धन, काला धन जो है यहाँ वापस बुलाने के लिए, ले आने के लिए वादा किए थे, जो कि आज तक से नहीं कर पाए। साथ ही जो सभी व्यक्तियों के खाते में 15 लाख रुपया जमा करने की भी बात इन्होंने कही थी, आज तक वे नहीं पूरा कर पाए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये झूठ के बिल्कुल पुलिंदा बांधे हुए हैं अपने अंतर्गत, ये कोई कुछ करने जा नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को बल्कि कुर्सी से उतार ही दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और इनके बदले में यदि बिहार का कोई ऐसा माननीय विद्वान व्यक्ति, जैसा कि नीतीश कुमार का नाम लिया जा रहा है और वे प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी विपक्षियों को एकजुट करके प्रधानमंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री के रूप में हमको खड़ा करके यदि ये लोग संचालन करने के लिए कहें तो हम आगे आएंगे और देश का विकास करेंगे। इस तरह से हम इनके इन प्रयासों का समर्थन करते हैं, हम गर्व करेंगे, बिहार के लोग इन पर गर्व करेंगे कि ऐसा सुशासन चलाने वाले व्यक्ति अभी तक कोई नहीं हुआ जो बिहार में 15 वर्षों से शासन सुशासन के तौर पर किया है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद यदि मिल जाए और वे सुशोभित कर सके तो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।
देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और भारत का प्रधानमंत्री बिहार का बेटा हो, इसके लिए सबके मन में ये बात है। हमें लगता है कि जब हम महिलाओं के पास भी जाएंगे तो महिलाओं से भी जब राय लेंगे तो महिलाएं भी ये बात कहेंगी कि नहीं भाई, मेरे बिहार का बेटा जो है प्रधानमंत्री बने, ये सबकी मंशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हो नीतीश कुमार वैसा हो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।